जबरदस्त बारिश और प्लस महाराष्ट्र का गर्मा गर्म वड़ा पाव। अरे भाई साहब, रत्नागिरी के वड़ा पाव नहीं खाए तो भैया आपने क्या कोकण रूट की जर्नी करी। वो बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई, अंदर अंदर अंदर। एक मिनट भाई, एक मिनट, फोन नहीं बिगाना भाई। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 4 सितंबर, सुबह के 11 बज रहे हैं। लोकेशन अगर आप देखोगे मडगांव का, दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 4। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आपको दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हो मुंबई गोवा वंदे भारत 2230। ठीक है, अब आज सुबह ही आपको पता होगा मैं कड़मबागी बस जर्नी कर कर आया हूँ। चैनल पर व्लॉग लाइव है इन केस अगर आप देखना चाहें। और बिकॉज इट इज़ मानसून इन महाराष्ट्र एंड गोवा, मैंने सोचा भाई कोकण की आपके सामने एक जर्नी तो बनती है। मैं US था तो मैंने ये मिस कर दिया, तो मैंने सोचा चलिए भाई आज कुछ भी हो जाए एक ट्रेन जर्नी इन मानसून तो करेंगे, शुरू करें। ऐसे नहीं, आपके सामने 12052 जन शताब्दी देखिएगा, और जन शताब्दी और वो भी विस्टा डोम कोच, मज़ा आएगा भाई साहब। आज का व्लॉग देखिए, बस दुआ यही है आगे ज़बरदस्त बारिश मिले, मानसून मिले। मुझे पहुंचना है घर फॉर गणेश चतुर्थी, गणपति बापा घर पर आने वाले हैं तो उनके स्वागत के लिए मुझे घर पहुंचना है। बट आप देखो यहाँ फ़िलहाल, अगर आप मौसम देखो ना ज़बरदस्त। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देखो प्लेटफॉर्म नंबर 4, आप देखो प्लेटफॉर्म की आप हालत देखो। मैं इतनी बार मडगांव आया, मेरे को खुद को ही नहीं पता था कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 भी है यहाँ पे। लेट्स सी विस्टा डोम की जर्नी आज कैसी होगी। बारिश मिलनी चाहिए, ज़बरदस्त बारिश और प्लस महाराष्ट्र का गर्मा गर्म वड़ा पाव। अरे भाई साहब आज आएगा मज़ा। हेडफोन लगाइए, डिवाइस कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं #IndianRailways इंडियन रेलवेज के साथ। आपके सामने WDP 4D, ये हो गया डीजल लोको। देखो आवाज़ कानों में जाती है, आवाज़ नहीं है भाई हमारे लिए, दिस इज़ अ म्यूज़िक। वेलकम टू इंडियन रेलवेज। यहाँ लंबा वाला कट चुका है, विस्टा डोम कोच होना चाहिए पीछे की तरफ ताकि कोकण के वेस्टर्न घाट्स के नज़ारे मिले, बट विस्टा डोम इन्होंने लगा दिया बिल्कुल आगे की तरफ और वो भी लोको के पीछे। बहुत बढ़िया इंडियन रेलवेज, बहुत बढ़िया भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्या ही बोले। देखो ये एक और है करवार, बेंगलुरु यहाँ पर खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। यहाँ पर हमारी जन शताब्दी जिसकी शुरुआत हुई 2002 में, और आई गेस मैक्सिमम वही परमिसिबल स्पीड इसकी जाएगी कुछ 120 के आसपास। बट यार ये सही नहीं किया, दुख दर्द काहे ख़त्म नहीं होता भैया। यार विस्टा डोम पीछे लगाते यार। चलो भाई अब जो है वो है, एसी कोच में देख रहा हूँ एसी कोच किस तरफ है, एसी भी आगे की तरफ लगा दिया क्या भाई। चलो देखते हैं जो होगा भाई, मौसम के मज़े लेना बस आज, जो हुआ वो हुआ बट ये सही नहीं हुआ। विस्टा डोम कोच आप देख लो, विस्टा डोम कोच बिल्कुल लोको के पीछे इन्होंने लगा दिया कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकते। 3 एसी चेयर कार हो गए, इतने ज़्यादा आप कह लीजिए पूरी ट्रेन में सबसे ज़्यादा पैसे दिए ताकि मैं आपको नज़ारे दिखा पाऊँ, बट इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी कि ये बिल्कुल आगे की तरफ लगा देंगे। खैर अभी कोई बात नहीं, तो देखो कोच भी बंद है, कोच भी इन लोगों ने यहाँ पर ओपन नहीं किया है। सबसे सरप्राइजिंग बात, इसकी टिकट मैं आपको बता दूँ मैंने कल ही बुक की है। सोचो ये समझ नहीं आ रहा मानसून में टिकट कैसे अवेलेबल है। इसका तो ठीक है जन शताब्दी का, इवन वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव की टिकट अवेलेबल है। मैंने कहा वंदे भारत में यार गेट्स बंद हो जाते हैं तो बाहर के आपको ज़्यादा नज़ारे नहीं दिखा पाऊँगा, तो वंदे भारत छोड़ते हैं और अपन करते हैं विस्टा डोम। मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगर आप देखोगे दिस इज़ 2021, लगभग 3 साल पुराना कोच। चलो अब देखेंगे जैसा सफ़रनामा रहेगा, बट ये ज़रूर है आज कोकण की बारिश आपको दिखाएंगे, कोकण के नज़ारे दिखाएंगे और द हैश टैग
इनक्रेडिबल इंडिया के व्यूज़ आपको दिखाएंगे। आगे आप वहाँ पर वेब फोर देख सकते हो, विस्टा डोम कोच। फिलहाल बिकॉज पूरा खाली है, कोई भी पैसेंजर नहीं आए हैं, तो जल्दी से मैं आपको इंटीरियर टूर दिखा दूँ। इनकेस अगर आपने इस वाले कोच में अब तक ट्रैवल नहीं किया है, या बाई चांस अगर आप मुंबई टू गोवा ट्रेन जर्नी करने वाले हो और अगर आपने बुकिंग की है, विस्टा डोम आपको ऑनलाइन शो करेगा EV1 या EV2 करके, ठीक है। तो ये कोच हो गया, बिल्कुल जैसा नॉर्मल कोच रहता है, लगभग वैसा ही है। थोड़े से आपको अलग फीचर्स हैं, यहाँ पर ये आपका वॉशरूम हो गया, ये आपको ऑटोमेटिक गेट्स हो गए, इस तरफ पूरा आपका ये लगेज रखने का हो गया, ठीक है। ये सीट्स देख लीजिएगा, जैसे एग्जीक्यूटिव में आपको 2x2 का कॉम्बिनेशन, यहाँ भी आपको 2x2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बट वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव में सिटिंग कैपेसिटी रहती है 52, यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी है 44। फीचर्स की बात करें तो आप देखो, लेग स्पेस आपको यहाँ मेरे ज़्यादा मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट हो गया, प्लस खाने पीने का नाश्ते पानी के लिए ही आपको टेबल मिलेगी। लगेज का आपको वहीं रखना है, सब स्क्रीन हो गया, सेफ्टी के हिसाब से CCTV कैमरा वगैरह। अगर आप देखो, ये पूरा फर्स्ट क्लास लेग रेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये पूरा हेड रेस्ट आप देख लो, बिकॉज विस्टा डोम में आप इतना ज़्यादा पे करते हैं, ठीक है। अभी तो खैर ये पूरा खाली है, तो इन्होंने अभी क्या है, थोड़ी सी कूलिंग करने के लिए उन्होंने जो फ्लैप्स है ना, ये ऑन कर रखे हैं। और देखो, विस्टा डोम की ये स्पेशलिटी है सनरूफ, ये आपको और किसी कोचेज़ में नहीं मिलेंगे, ये आपको इसी में मिलेंगे, ठीक है। पूरा आपको विस्टा डोम मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है, तो पूरा इंटीरियर आप देखो। लेग यहाँ मज़ा है लेग स्पेस का, इनकेस अगर आप फैमिली के संग प्लान कर रहे हो ना, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा ज़रूर जाएगा, बट ये ज़रूर है आपकी जर्नी ज़रूर कम्फर्टेबल होने वाली। देखो कितना सही लग रहा है ना, रेड कलर का कॉम्बिनेशन कितना मस्त लग रहा है। और देखो इस तरफ जो सबसे मेन चीज़ है वो देखो, ये और यहाँ पर मिनी पेंट्री हो गई, ये सब आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक सब ठीक है दादा। ये देखो, ये पूरा आप देखोगे, अगर ये कोच पीछे की तरफ होता तो जो आपको जो पीछे के नज़ारे मिलते, बट बिकॉज यहाँ पर लोगों के बिल्कुल पीछे, तो आपको यहाँ पर लोगों के नज़ारे मिलेंगे। खैर ठीक है यार, अब वो तो रेलवेज टू रेलवेज है, क्या करें। पूरा आप देख लो इस तरफ, बट मज़ा आएगा आपको, मैं यहाँ से भी व्यू दिखाऊंगा ना लोगों का, आप लुक देखिएगा पूरा। देखो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है पूरी ट्रेन, मेरे को लग रहा है ट्रेन खाली ही जा रही है। अब इसका क्या रीज़न है यार, मे बी बिकॉज ऑफ गणपति या जो भी है, ज़रा कमेंट करके रीज़न बताइएगा ज़रूर। 20 मिनट्स टू गो फॉर द डिपार्चर। सबसे मज़ेदार बात यह है, हमारी जनशताब्दी डिपार्ट होगी 12 बजे, और 12:20 में डिपार्चर होगा वंदे भारत का। दादर का जो हमारा टाइम है आई गेस कुछ 11 बजे के आसपास, वंदे भारत क्रॉस करेगी 10 बजे। अब वंदे भारत बीच में कहाँ क्रॉस करती है, वो क्रॉसिंग मेरे को आपको ज़रूर दिखानी है। आई गेस लोको पायलट ऑलरेडी आ चुके हैं, सब देखिए, नज़ारे देखिए। मडगांव का कोड हो गया MAO, और बाकी जितने विस्टा डोम कोचेज़ मैंने किए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिए जितने व्लॉग्स देखना चाहें। अभी मैं कड़म्बा की जर्नी करके आया हूँ, लगभग पूरी रात जागा हूँ और वापस जर्नी। आपसे कहा ना भाई, यूट्यूब तब कीजिए जब आपका पैशन है, जब मतलब ट्रैवल करने में तब मज़ा आएगा। आई गेस वी आर गुड टू गो। नहीं भाई, अभी तो काफ़ी टाइम है भाई, अरे ट्रेन पूरी जनशताब्दी खाली है भाई। दिस इज़ शार्प 12 o'clock, मडगांव के आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होने के लिए तैयार। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट, बस दुआ यही है। फिलहाल तो देखो यहाँ धूप है, आगे बारिश मिले, रत्नागिरी पर कैसा मौसम मिलेगा, सब कुछ आपको आज वर्चुअली दिखाया जाएगा। और कोंकण में तो मेरे को खुद नहीं पता मैं कितने टाइम बाद यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ। करंटली मुश्किल से आई गेस 3 या 4 पैसेंजर ऑन बोर्ड हैं विस्टा डोम में। लेट्स सी, ऐसा लग रहा है विस्टा डोम में आज मैं पूरा अकेले ही ट्रैवल करने वाला हूँ। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी कुछ 50 किलोमीटर्स पर आवर, लगभग 600 किलोमीटर्स की जर्नी हम करने वाले हैं। चलिए एक धमाकेदार स्माइल के संग, और बस अगर TV पर कास्ट करके देख रहे हो ना, आज मज़ा आएगा दोस्त, आज देखना पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, टनल्स कर्व्स क्या क्या होगा, बिकॉज इस कोंकण का आपको बताइए सिंगल लाइन है। इलेक्ट्रिफिकेशन तो खैर पूरी तरह से हो चुका है, अब देखते हैं आगे। ये स्टेशन है करमाली, कोड है KRML। अगर आपको याद हो, पहले सबसे पहले जो मैंने तेजस एक्सप्रेस की थी, तेजस एक्सप्रेस पहले यहीं तक चलती थी। आपको बता दूँ, हमारी जनशताब्दी का ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, बट बिकॉज वंदे भारत को क्रॉस कराना है,
तो इसलिए हमको अब यहाँ पर मेन लाइन पर अगर आप देखोगे, मतलब लूप लाइन, साइड लाइन पर आप कह लीजिए, वहाँ पर हमको रोक दिया गया है। इस तरफ ज़रा आपको दिखाने दो, ये देखो इस तरफ, दूसरी तरफ अगर आप देखो ये खड़ी है कोंकण कन्या। अब यहाँ से वंदे भारत क्रॉस होगी। पॉपकॉर्न मिलेगा क्या कहीं? यार ये शो तो देखना बनता है भाई। अब मौसम देखिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट वंदे भारत को लगेंगे, बट आप देखो हवा देखिए, नज़ारे देखिए। ये आपको कहीं मिल सकता है। ये है कोंकण रूट का मज़ा, KRCL। ये है, मतलब पहले भी पता नहीं मैं कितनी बार इस रूट पर ट्रैवल कर चुका हूँ, बट एवरी टाइम मैं ट्रैवल करता हूँ अलग ही मज़ा आता है। आप देखिए पूरा, कह रहा हूँ ना, वो तो अब एक व्लॉग में आपको कितना दिखाएं, दूर दूर तक। और बारिश, अभी देखो बारिश बंद है, अच्छा है आईफोन है मैं शूट कर पा रहा हूँ। बारिश और होना, चारों तरफ देखो ग्रीनरी। अगर आप ट्रेन जर्नी लवर हैं, कोंकण रूट अगर आपने नहीं किया है ना, तो भाई आपने क्या किया। एक है बेंगलोर टू मैंगलोर वाला रूट मानसून में, और एक ये वाला। चलिए देखते हैं, अब आपको दिखाएंगे गोवा मुंबई वंदे भारत की क्रॉसिंग। ये देखो इन्होंने यहाँ पर डेक्कन क्वीन की जो न्यू आया था ना, न्यू कलर कॉम्बिनेशन, वो इन्होंने यहाँ पर लगा रखा भाई। मैं मिस नहीं कर दूँ। बात करने के चक्कर में पता चला मेरी क्रॉसिंग मिस हो गई। जैसा आपको बताया, बिकॉज हम हैं कोंकण रूट में, तो दिस इज़ सिंगल लाइन। आप सोचिए एक वंदे भारत को क्रॉस कराने के लिए दो ट्रेन को इन्होंने यहाँ पर रोक रखा है, सिंगल लाइन है। अब जब तक वंदे भारत क्रॉस नहीं करेगी, जब तक कोंकण कन्या नहीं यहाँ यूँ नहीं जा सकती इस तरफ, और जब तक वंदे भारत यहाँ आगे नहीं निकल जाए, और तब तक हम नहीं जा सकते। अभी अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, देखो जितने सिग्नल आप देखोगे सब की सब रेड है। आगे आप वहाँ देखो एक टनल भी देख सकते हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ करना पड़ेगा। इसलिए वंदे भारत की मे बी वो होते हैं ना कॉस्टिंग, इसलिए ज़्यादा। आप देखो ये आपको दिखाता है वंदे भारत की प्रायोरिटी को। सोचो एक ट्रेन को निकालने के लिए यहाँ पर इन्होंने दो दो ट्रेन को रोक दिया, क्या बात है। और आई गेस कोंकण कन्या तो मेरे हिसाब से, बिकॉज हम ही सिंगल लाइन पर थे, मेरे हिसाब से शायद ये 20-25 मिनट से तो यहीं खड़ी है शायद। अब लेट्स सी हमको कितना टाइम लगेगा भाई, पहले ग्रीन सिग्नल तो हो तब वंदे भारत की क्रॉसिंग होगी। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बट शो धमाकेदार है, आप ध्यान रखना, ये मिस नहीं करना बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपके सामने वाइट वंदे भारत 222-300 मुंबई गोवा वंदे भारत। अब बता दूँ दिस इज़ मिनी वंदे भारत, हाँ बहुत रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इनॉग्रेशन मैंने इसकी जर्नी की थी। बढ़िया, सरप्राइजिंगली इसका सिग्नल, इसका भी रेड है यार, ये देखो सिग्नल इसका भी रेड है, इसको भी रोका जाएगा। रुक जा भाई, तू भी रुक। यार तीन तीन ट्रेन रोक दी भाई, अब क्या चाहता क्या है ये। ये देख लीजिए मिनी वंदे भारत, अगर आप बाई चांस मुंबई गोवा वंदे भारत में 222-300 इसमें ट्रैवल प्लान बना रहे हो, चैनल पर व्लॉग लाइव है, आप वो देख सकते हो। रुक जा भाई, तू भी रुक, हम भी डूबेंगे। सनम तुमको भी, इसका भी सिग्नल रेड। अब एक काम करो भैया, चौथी ट्रैक पर एक और ट्रेन लगा दो, और बताओ इसका भी सिग्नल रेड भाई साहब। यार मेरे को लगा था ये तो सीधी क्रॉसिंग होगी, रुक गई। ले लीजिए वंदे भारत रोक, हाँ सिग्नल अब दिया इसको ग्रीन, वेरी गुड। लाइव कमेंट्री कैसी लग रही है ज़रा कमेंट करके बताना। यस ग्रीन सिग्नल पास, चलिए वंदे भारत रवाना होने के लिए तैयार। भाई पहले ही सिग्नल दे देता यार, इसको रोका। छोटी सी मिनी वंदे भारत आप देख लीजिए, 8 कोचेस की,